केज इज दैट थिंग इन विच वी ऑलवेज यूज दिस थिंग वी ऑलवेज यूज टू स्टोर आर पेट्स, अपने पेट्स को रखने के लिए वहाँ पे करते हैं. टू कीप द पेजेस, टू कीप द वर्ड्स. ओके, सो केजेस मीन्स पिंजरा, पिंजरे में हम पक्षियों को रखते हैं. नंबर टू पैराकिट, पैराकिट इज द स्पीसीज ऑफ पैरट्स. ओके, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, दे आर कलरफुल, दे ऑल्सो हैव अ क्राउन ऑन देयर हेड्स. दिस इज द काइंड ऑफ पैराकिट्स एंड स्पेशलिटी ऑफ पैराकिट्स आई विल से. नंबर थ्री फ्लू, फ्लू मीन्स उड़ जाना, फ्लू मीन्स उड़ जाना. फ्लू इज द आई थिंक वी टू या वी थ्री फॉर्म ऑफ फ्लो. ओके, फ्लाई, सॉरी नॉट फ्लो, फ्लाई. ओके, फ्लू मीन्स उड़ जाना. नंबर फोर हॉप, हॉप मीन्स फुदकना. वॉट इज द मीनिंग ऑफ हॉप? फुदकना वेन वी यूज आवर ऑल लेग्स, मीन्स टू लेग्स और फोर लेग्स, मतलब वेन इट गोज टू अ पर्सन और ह्यूमन, वी आर, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट टू लेग्स. बट वेन इट गोज टू अ एनिमल, आई मीन इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑल लेग्स, आई मीन्स फोर लेग्स. एंड वेन वी टॉक अबाउट द वर्ड्स, इट मीन्स इट दिस ऑल्सो गोज टू अ टू लेग्स. मतलब वेन एवर एनी थिंग, एनिमल, ह्यूमन और बर्ड यूज देयर ऑल लेग्स टू जम्प, दिस इज वॉट वी कॉल हॉपिंग. जब कोई भी जानवर, इंसान अपने पूरे पैरों को यूज़ करता उछलने के लिए, उसे ही हम कहते हैं हॉपिंग, जिसे कि अगर इन वन वर्ड कहें तो फुदकना. ओके, सो तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हॉप? हॉप मीन्स फुदकना. नंबर फाइव सेल, सेल मीन्स बेचना. ओके, सेल मीन्स बेचना. नंबर सिक्स बाय, तो जस्ट लाइक द बेचना, व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ बेचना? खरीदना. तो मीन्स बाय मीन्स खरीदना, सेल मीन्स बेचना. नंबर सेवन शॉपकीपर, शॉपकीपर वेन एवर यू नीड सम थिंग्स यू ऑलवेज गो टू अ शॉप टू बाय समथिंग. ओके, सो इफ यू गो देयर, इट डजेंट मीन यू जस्ट गो देयर एंड बॉट एनी थिंग वॉट यू वॉन्ट, नो, और ग्रैब एनी थिंग वॉट यू वॉन्ट. यू ऑलवेज पेड टू द ओनर ऑफ दैट शॉप, दैट पर्सन इज शॉपकीपर ऑफ दैट शॉप. ओके, आप उसे शॉप ओनर भी बोल सकते हो, शॉपकीपर भी बोल सकते हो, उस जगह के मालिक को ही हम शॉपकीपर बोलते हैं, दुकानदार, इन अ हिंदी वर्ड दुकानदार. नंबर एट ओपन. ओके, नंबर एट वी हैव ओपन. इन द एट ओपन मीन्स खुला, ओपन मीन्स खुला. नंबर नाइन फील, एफ डबल ई एल, फील. फील मीन्स महसूस करना, फील मीन्स फीलिंग्स, इमोशंस, एंड इन द वर्ड वी कैन से फील, महसूस करना, फीलिंग्स, इमोशंस. ओके, वी ऑल हैव फीलिंग्स इन ह्यूमंस, इन एनिमल्स, इन बर्ड्स. ओके, टेन सॉरी, सॉरी मीन्स माफ़ी. ओके, व्हाट वी हैव? सॉरी, सॉरी मीन्स माफ़ी. और वो एक जो फीलिंग होती है, सॉरी वाली फीलिंग, हाँ मैंने गलती कर दी, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए था, तो ये भी सॉरी वॉज ऑल्सो अ फीलिंग. सॉरी नॉट वॉज, इज, सॉरी इज ऑल्सो अ फीलिंग. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस टेन हार्ड वर्ड्स. Now I will solve other exercises from this particular chapter. Now I will solve question number A, match the column to make sentences. Okay? A, match the column to make sentences. Okay, so in this we have match the columns. First of all I will write the left sides wala. Yahan pe sabse pehle left side wala sara cheez main likh leti hu. Unwanted, unwanted, this is our first half sentence. Second, Rohan and Anu saw parakeets. Rohan and Anu saw parakeets. Number three, the pigeons were white and
the pigeons were white, and number four, the birds in the cages looked number five, Rohan and Anu felt number five. Now number A. Sad. Number B. Gray. Number C. In small cages. D. Sorry for the words. Sorry for the words. A. White kitten. Okay, white kitten. So now I will match them. Anu wanted a, what Anu want in the story? Anu wanted a white kitten. अनु वॉन्टेड अ वाइट किटन. ओके, तो अनु को क्या चाहिए था? एक सफ़ेद प्यारा सा बिल्ली का बच्चा एज अ पेट. रोहन एंड अनु सॉ पैराकिट्स इन स्मॉल केजेस. रोहन और अनु ने पैराकिट्स को किस में देखा था? छोटे छोटे पिंजरों में बंद. द पिजन्स वर वाइट एंड ग्रे. कौन कौन से कलर में पिजन्स यानी कबूतरों को बताया गया ना स्टोरी? वाइट और ग्रे, यानी कि ग्रे सलेटी रंग, वाइट सफ़ेद रंग. द बर्ड्स इन द केजेस लुक्ड, जो पंछी पिंजरे में बंद थे वो कैसे दिख रहे थे? सैड. द बर्ड्स इन द केजेस लुक्ड सैड. रोहन एंड अनु फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स. और उनको सैड देख के रोहन और अनु को भी काफ़ी बुरा लग रहा था. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर ए वी हैव इन दिस exercise. Okay, now I will tell, I will create the whole sentence and explain. Anu wanted a white kitten. Anu को एक white सफ़ेद बिल्ली का बच्चा चाहिए था. Rohan and Anu saw parakeets in small cages. Rohan और अनु ने छोटे पिंजरों में parakeets को देखा था. The pigeons were white and grey. कबूतर सफ़ेद और सलेटी रंग के थे. The birds in the cages looked sad. जो पंछी पिंजरे में थे वो काफ़ी सैड यानी उदास दिख रहे थे. रोहन एंड अनु फेल सॉरी फॉर द बर्ड्स. और रोहन और अनु को भी काफ़ी बुरा लगता है उन्हें सैड देख के. सो दिस इज़ द ए वी हैव एंड यू हैव टू डू दिस इन योर नोटबुक. ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू द चैप्टर एंड यू हैव टू डू दिस इन योर नोटबुक. Okay, B. In the B, what we have? Circle the animals. Rohan and Anu saw in the pet shop. I can't draw this much animals pictures on the whiteboard. That's why I will just point out what you have to circle. Okay, आपको बस उसी जानवरों को circle खुद से कर लेना है. Okay, तो यहाँ पे क्या करना है? Circle the animals. Rohan and Anu saw in the pet shop. रोहन और अनु ने कौन कौन से जानवरों को पेट शॉप में देखा था? उन्हें सर्कल करें. द फर्स्ट वन वॉज फिश. क्या उन्होंने फिश देखी थी? नो, देयर इज नो फिश इन द स्टोरी. ओके, देयर इज नॉट इवन अ नेम ऑफ अ फिश इन दिस स्टोरी. सो यू डोंट हैव टू सर्कल द फिश. यू हैव अ देन सेकेंड वी हैव अ पिक्चर ऑफ अ लायन एंड वी डोंट बिकॉज इज अ वाइल्ड एनिमल वी कैंट पेट हिम. So there is no chance to be a lion in that pet shop. Okay, so you also don't have to circle this. Pigeon, yeah, pigeon was there. Pigeon pet shop mein tha. Then you have to circle the pigeon. You have to circle the rabbit. Okay, you have to circle the kitten and you have to circle the dogs.
What you don't have to circle? Fish, lion, zebra and the cow. ये चार एनिमल वहाँ पेट शॉप पे नहीं थे. यू जस्ट हैव टू सर्कल द पिजन, रैबिट, किटन एंड द डॉग बिकॉज दे वर ऑल्सो एंड दे आर ऑल्सो देर वर देयर. ओके, सो दिस इज इनफ फॉर टुडेज वीडियो. यू हैव टू, वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट डाउन द हार्ड वर्ड्स इन योर नोट कॉपी एंड क्वेश्चन नंबर ए फ्रॉम दिस वीडियो एंड द क्वेश्चन नंबर बी यू हैव टू डू जस्ट इन योर बुक. दैट इज इनफ फॉर टुडेज वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ एट होम. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.